ठीक है जनाब, मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है? कैसे कैसे खोलना है, लीजिए पैसा 15 ग्राम। शुक्रिया भाई। अरे वाह, मस्त बीच है यहाँ के, लहर बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, दुबई से तो बहुत बढ़िया बीच है, तो हमको उसके करीब जाना है, तो इधर से चलते हैं। ये चढ़ गया, ये चढ़ गया जी। मौसम बहुत साफ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन नहाने वाले लोग बहुत कम हैं। जितने सारे लोग हैं सब ऊपर ही खड़े हैं, क्योंकि मौसम अभी ठंडा है। मस्त बीच है यार, दुबई में भी बहुत सारा बीच है, मैं गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लहर जो है देखने को नहीं मिलता, इतना खुला हुआ बीच बहुत कम देखने को मिलता है। सही है, 15 दिरहम 15-30 दिरहम जाया नहीं गया, पैसा उसी में है मेरा। आप भी आ सकते हो अगर उमर को इन रहते हो तो, कभी भी मौका मिले तो टाइम निकाल के आ जाओ, बहुत ही मस्त एरिया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। नहाते तो और मज़ा आता, लेकिन सर्दी का मौसम चल रहा है, उल्टा सीधा नहाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, हो सकता बीमार पड़ जाओ, तो अभी नहीं नहाना है मुझे, हम खाली घूमना है। पानी की आवाज़ बहुत तेज़ हो सकता है, मेरी आवाज़ आपको क्लियर ना सुनाई दे। उधर एक नया बीच बना हुआ है, वो फैमिली बीच है, वहाँ पर जाने के लिए आपको फैमिली होना लाजमी है, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो घूमते और बातें करते आपसे, बताते यहाँ का अनुभव कैसा रहेगा। समुंदर की जो वाइब्स होता है ना, वो वाकई बहुत अच्छा होता है। गांव है, शहर और गांव के बाहर कभी भी अगर आपको मौका मिले तो समंदर में आके देखो, आपको बहुत बड़ी सुकून मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, पूरा टेंशन जो है सर से पूरा उतर जाता है, और ऐसा लगता है कि आपको नई ज़िंदगी मिल गई है। इतनी सुकून, इतनी मज़ा मुझे दुनिया के किसी भी कोने पर नहीं मिलती है जब मैं समंदर के किनारे पर आता हूँ। बड़ा मन कर रहा है पानी में उतरने का, जूता पहन के आया हूँ तो नहीं उतर सकता, पूरा शाम यहीं पर बिताऊंगा। दिलवर भाई का नंबर लेकर रखा हुआ, उनको फ़ोन करूंगा तो भाई साहब आके मुझे फिर पिक कर लेंगे, और जहाँ से मुझे पिक किया हुआ था वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। कल मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, परसों से ड्यूटी चालू है, तो कल हो सकता है मैं उन्हीं के जरिए दिलवर भाई के जरिए फिर दुबई वापस जाऊँ। बहुत सारे बातचीत जो है मैंने किया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आगे से आप नहीं जा सकते, आगे वहाँ पे चेतावनी लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो एरिया है पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप इसके आगे नहीं जा सकते। इसके पीछे मतलब मेरे पीछे जितना सारा एरिया है आप घूम सकते हो, देख सकते हो, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो एक अरबिक लड़की भी खड़ी है, वहाँ दो बच्चे हैं और लोकल है, उनको भी नहीं जाने दे रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, हो सकता है मना किया हुआ है कंपनी का ऑनर जो है, कंपनी बोले तो जो बिल्डिंग का ऑनर है। यहाँ पे म्यूजिक भी बज रहा है, ये म्यूजिक बजा रहा है, पार्टी शार्टी हो रहा है कुछ, तो खैर हमको जाने नहीं दिया, उन्होंने बताया कि तुम वापस चले जाओ यहाँ से, सारे अंग्रेज लोग हैं, खेल रहे कूद रहे, तो हम चलते हैं वापस, टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, आज का शाम बताऊँगा यहाँ पर, शाम होने में और एक घंटा है, क्योंकि टाइम बज रहा है अभी 5 और इंडिया की बात किया जाए तो 6:30 हो रहा है इंडिया पे टाइम, एक घंटा और बिताएंगे यहाँ पे। दिलवर भाई का नंबर है, फ़ोन करेंगे, जरा पाकिस्तान से है और उनको लगता है कि नहीं, उनको ये नहीं लगता, वो मेरे घर के बारे में पूछा था, मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ, कोलकाता से, वो कह रहे शाहरुख खान का टीम जहाँ पे, मैंने बोला हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको मेरे अंदर शाहरुख खान नज़र आ गया होगा उनको, तो खैर बहुत बात कर लिया, अभी चलता हूँ वापस, कहीं बैठता हूँ और टाइम बिताता हूँ। दुनिया में बहुत सारे आशिक जो है इस तरह का हरकतें करते हैं बीच पे आके, उनको लगता है ऐसे करने से कुछ बेनिफिट होने वाला है, आगे का मुझे कुछ पता नहीं, मैं कभी करता नहीं हूँ इस तरह की हरकतें। और अभी भी आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं किसी एक नए जगह पे नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।